हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स लेके आए हैं जो कि मेकअप स्टूडियो के हैं सारे के सारे। तो इनमें हम आज आपको बेस बताएंगे कि आप कौन कौन से बेस ले सकते हो, क्योंकि पूरी वैनिटी तो कोई नहीं ले सकता। इसीलिए आज हम इसमें आपको बताएंगे कि आप कौन कौन से मैक्सिमम 3 बेस ले सकते हो जिससे आप अपना पूरा मेकअप कर सकते हो। तो मेकअप स्टूडियो में जैसे ये है अपना फेसिक वॉर्म बेज, ये कलर ले सकते हो आप एक अपनी वैनिटी में। एक मेकअप स्टूडियो का है कैरेबिन, कैरेबिन के नाम से है, ये शेड ले सकते हो। एक ओरिएंटल, ये शेड बहुत जरूरी है आपकी वैनिटी में, ये शेड होना चाहिए अगर आपके पास मेकअप स्टूडियो की किट है। इन 3 शेड के साथ आप अपना कोई भी बेस बना सकते हो। मैं आपको इंस्टेंस दिखा देती हूँ, ये कुछ इस कलर का आएगा, ये आपको मीडियम टोन आएगी आपकी। इस कलर का फॉर्म बेज कलर है, थोड़ा सा पेयर है ओरिएंटल शेड, डार्क शेड जिसकी ओरिएंटल शेड है, ये थोड़ी सी डार्क शेड है। ये 3 शेड है, आप ये 3 शेड के साथ अपना बेस क्रिएट कर सकते हो। इसके साथ ही मेकअप स्टूडियो के 2 लूज पाउडर आते हैं जो कि काफी अच्छे हैं। इसमें अगर आप फेयर टोन के लिए लेना चाहते हो तो आप इसका 1 नंबर ले सकते हो मेकअप स्टूडियो का, और अगर आप थोड़ा सा डार्क टोन के लिए लेना चाहते हो तो इसका 2 नंबर दे। ये दोनों लूज पाउडर बहुत अच्छे हैं, अगर आपकी वैनिटी में ये है तो आपको दूसरा लूज पाउडर लेने की जरूरत नहीं है। ये इसका मेकअप फिक्सर है, इसका मेकअप फिक्सर भी बहुत अच्छा है, यूज करके देखें। जो हमने आज अपना बेस क्रिएट किया है वो हमने इन 3 शेड की मदद से ही किया है। जो आज का हमने अपना मेकअप किया है वो हमने मेकअप स्टूडियो के इन 3 शेड से ही किया। तो आप भी ट्राई कीजिए और कैसे लग